नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधा इस वक्त की खबरों के साथ। उत्तराखंड के गढ़वाल की पारंपरिक पटकथा पर आधारित असागर फिल्म रिलीज़ हो गई है। रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म के सभी कलाकार, निर्माता और निर्देशक स्क्रीनिंग पर पहुंचे। आपको बता दें कि असागर फिल्म एक हॉरर आधारित फिल्म है। फिल्म का पहला शो हाउसफुल रहा। फिल्म में अभिनव चौहान लीड रोल में रहे, जबकि उनके ऑपोजिट मानवी पटेल को कास्ट किया गया। फिल्म का निर्देशन अनुज जोशी ने किया, जो इसके लेखक भी है। वहीं रिलीज से पहले ही फिल्म के गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म की रिलीज पर अभिनेता अभिनव चौहान ने कहा कि इस फिल्म को पूरी तरह से उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है। और ये सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर है और ये एक उत्तराखंड की फिल्म है और ये उत्तराखंड सिनेमा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल जितनी भी जो फिल्म्स जो बन रही है, उत्तराखंडी फिल्में बन रही है, उनका लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है और वो आप ये वाली फिल्म देख के आपको पता चल जाएगा। ये गढ़वाली मूवी है और ये सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है, और मैं नॉन गढ़वाली हूँ एंड मेरी गढ़वाल की फर्स्ट मूवी है। और मैंने देखा लोगों ने मूवी को बहुत प्यार दिया है, सबने बहुत पसंद किया, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्लाइमैक्स में लोग रो गए हैं, तो ये सब देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैं बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड हुई हूँ कि लोग इतना निश्चित रूप से कुछ सालों में जो गढ़वाल का जो उत्तराखंड का जो सिनेमा था, क्षेत्रीय भाषाओं का, क्षेत्रीय बोली का जो सिनेमा था, और आज से लगभग 10-12 साल पहले एक नगण्य स्थिति उसकी हो गई थी, लेकिन जब से सरकार ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, आप देख रहे हैं कि प्रति माह एक या दो मूवी गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भविष्य उत्तराखंडी सिनेमा का उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। समस्या क्या होती थी पहले कि संसाधन इतने होते नहीं थे, लेकिन जब से सरकार ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है तो अच्छी मूवी बन रही है। जैसे आप गढ़वाली सिनेमा में अलग अलग सब्जेक्ट आए, ये मेरी वो थी चॉइस। और दूसरी बात, हमारी फिल्में भी OTT में डब होके जाए, और OTT में क्या होता है कि थ्रिलर मांगा जाता है, तो बेसिक वजह थी सुपर नेचुरल थ्रिलर की कि OTT पर जाए, क्योंकि OTT में आजकल थ्रिलर मांगे जाते हैं। और उस थ्रिलर के साथ मैं जो ये आपने जो आखिरी सीन देखा होगा, एक पहाड़ का एक कल्चर जो हमारे यहाँ जो जागर से रिलेटेड रहता है या उस तरह का, तो वो दिखाने के लिए जो देवी का जो सिस्टम था, जिस तरह से हमारे यहाँ आती है, तो थोड़ा कल्चर दिखाना, तो यही 2-3 वजह थी बस। है फिल्म में बन रही है, उसमें प्रेम के फिल्में भी बन रही हैं, सब्जेक्ट उनके, और ये अब सस्पेंस की फिल्में भी बनने लग गई हैं। ये फिल्म भी विश्वास और अंधविश्वास के बीच झूलती हुई कहानी है, तो लोगों को पसंद आ रही है, आई है, जैसा कि हॉल में देखने से पता लग रहा है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है सस्पेंस फिल्मों की। और इस किस्म की सब्जेक्ट उत्तराखंड में बहुत बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भूत प्रेत ये सब देवी देवता ये बहुत हैं।